हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, हम आपको बताए हुए थे कि मैथड पेपर का हम क्वेश्चन डालेंगे, जितना भी मैथड पेपर है। देखिए, 1-2 घंटा में डला जाएगा वो। देखिए, हम एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कि इतिहास शिक्षण की विधियों के नाम लिखे, इनमें से किन्हीं दो विधियों का वर्णन करें। देखिए, आपको जो आपका 7A जो मैथड पेपर है, देखिए उसका नाम है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए होंगे वो सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाइएगा, उस चीज के बारे में इसमें पढ़ना है। पूरा वही चीज के बारे में पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको प्रस्तुत करना है, मतलब इसी चीज के बारे में। तो ये अपना से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो चीज आप पढ़े हुए बचपन से। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री से मतलब किया होगा, तो हिस्ट्री के बारे में उसको संपूर्ण नॉलेज है, समझ रहे हैं। तो उसको थोड़ा हम बताएंगे कैसे लिखना है, कौन कौन विधि से आप पढ़ा सकते हैं, ये चीज है। और अगला वीडियो में हम जो शिक्षण पूरा मतलब जितना पैडागोजी का जितना भी गेस्ट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, सब सब्जेक्ट का होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण की विधियों के नाम लिखे, इनमें से किसी दो विधियों का वर्णन करें। देखिए, लिखा हुआ प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, मतलब अभी का जो शिक्षा प्रणाली चल रहा है वो क्या है, बाल केंद्र। बाल केंद्रित कहने का मतलब होता है कि बच्चा के मतलब जो बालक होता है उसके अनुरूप हमको शिक्षा देना, कि उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या चीज में रुचि है, समझ रहे हैं ना, उसके अनुसार हमको शिक्षा देना है। पहले शिक्षा केंद्र में क्या था कि शिक्षक आते थे, अपना व्याख्यान विधि से देते थे, बालक समझा कि नहीं समझा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वर्तमान समय में भी चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब बालक को कैसे वो समझाना है हमको, पूरा बालक, पूरा क्लास को, समझ रहे। वही कह रहा है कि वर्तमान समय की, सॉरी, हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः कोई भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता पड़ती है, मतलब अच्छा से पढ़ाने के लिए। शिक्षण विधि क्या होता है, कोई चीज को सरल मतलब सुगम बना देता है, समझ रहे हैं, कोई विषय वस्तु को। जैसे कोई विषय वस्तु को आप कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कोई विषय वस्तु का कोई उदाहरण देकर पढ़ा रहे। मान लीजिए हम मैथ पढ़ाते होंगे, ट्रायंगल त्रिभुज पढ़ाइएगा, तो उसमें आप बच्चा को वास्तविक जीवन से जोड़िए। कैसे वास्तविक जीवन से जोड़िएगा, रियल लाइफ से। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप समोसा से बताइए कि देखो बाबू समोसा देखे हुए, उसको घन घना पढ़ा रहे हैं, घना पढ़ा रहे हैं तो उसको बोलिए जो ईंटा होता है वो घना का आकार का होता है, फिर घन पढ़ा रहे हैं तो बोलिए लड्डू का जो गोटी होता है, समझ रहे। इधर रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाना होगा आपको, समझ रहे। फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, ये सब है, शंकु पढ़ा रहे हैं तो आप आइसक्रीम जैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सब चीज होना चाहिए आप में, समझ रहे हैं, तब आप बच्चा अच्छा से आप टीचिंग करा सकते हैं। सिर्फ रटवाने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, उसको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएगा तो चीज समझेगा, तब कोई कुछ मतलब अच्छा से समझेगा। तो वही कह रहा है कि शिक्षण विधि से बच्चे कोई भी विषय वस्तु को जल्दी समझते हैं, मतलब कोई भी विषय को जल्दी समझेगा नहीं। मान लीजिए आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं और ट्रायंगल को आप जो समोसा होता है उससे कंपेयर करके पढ़ाएगा, तो बच्चा समझेगा उसका भी 3 कोण होता है, समझ रहे हैं, 3 भुजा होता है, ये सब चीज वो समझेगा, समझ रहे हैं। तो शिक्षण विधि से बच्चों कोई भी विषय वस्तु को अच्छी विषय वस्तु को जल्दी समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे खेल विधि से, देखिए बच्चा को जो अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 का आ रहा है उसमें बच्चा को एकदम खेलने के लिए एकदम खेलते रहो, कि बच्चा का जो सबसे प्रिय जो कार्य होता है वो खेल होता है। कोई भी चीज को बोला जाता है किंडरगार्टन आप प्रति पढ़ेंगे फ्रोबेल का, उसमें क्या है कि बच्चा को खेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि खेल क्या होता है, बच्चा का सबसे प्रिय मतलब कार्य होता है, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बच्चे के लिए खेल विधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदर्शन विधि, मतलब प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन कोई चीज करके मतलब डिस्प्ले करके दिखाएंगे तो चीज ज्यादा समझेगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए अब हमको ताजमहल के बारे में बताना है, ताजमहल को क्या करेंगे, एक मॉडल भी दिखा सकते हैं, मतलब उसका प्रतिरूप बोलते हैं, मॉडल मतलब उसका जो नहीं तो उसको, अभी तो सब जगह अभी डिजिटल, मतलब आप जितना भी बिहार में देखिएगा हाई स्कूल वहाँ पर सब जगह डिजिटल टीवी, मतलब टीवी लग गया है, मतलब डिजिटल अब हो गया है, समझ रहे। तो वहाँ डिजिटल से भी हम बता सकते हैं कोई भी चीज को, समझ रहे। तो वही कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर खेल विधि और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब लिखा है वर्तमान समय इतिहास के शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग है। देखिए, ये आप सब भी मतलब जितना भी मतलब आप सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे सिविक्स हुआ आपका, मतलब क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स, वो सब में शिक्षण विधि आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए कौन कौन विधि है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला है कथात्मक विधि, स्टोरी टेलिंग, मतलब कहानी के माध्यम से हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे मतलब बच्चा को मतलब बोरिंग नहीं, देखिए हिस्ट्री सबको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि आप उसको कहानी के माध्यम से पढ़ाइए, समझ रहे ना। एक कहानी के माध्यम से आप एक स्टोरी बनाइए, उस पर उसको समझाइए। जैसे अशोक के बारे में पढ़ाना है, अशोक
या कोई चंद्रगुप्त किसी के बारे में पढ़ाना है तो कहानी अब किताब में लिख दिया है, पूरा कहानी मतलब जयंती दे दिया उनती पढ़ाएगा तो बच्चा समझ नहीं सकता है, लेकिन उसको एक कहानी के माध्यम से जोड़ते हुए पढ़ाइएगा तो चीज अच्छा से समझेगा, समझ गए। फिर दूसरा है खंड विधि, खंड मतलब तोड़ तोड़ के कोई चीज को पढ़ाइए, समझ रहे हैं, ये चीज होना चाहिए, खंड विधि हुआ। फिर तीसरा पाठ पुस्तक विधि हो गया। तीसरा है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि समझ रहे हैं ना। देखिए कोई चीज मान लीजिए आप इतिहास में प्रयोगशाला विधि क्या है, देखिए बताते हैं, मान लीजिए कोई चीज मान लीजिए कोई अवशेष रहता है ना तो प्रयोगशाला में रखा जाता है, उससे भी आप पढ़ा सकते हैं प्रयोगशाला में ले जाकर, समझ रहे हैं ना, जो अवशेष सब रहता है। फिर उसके बाद है समस्या विधि, फिर है योजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड से, फिर व्याख्यान विधि है, फिर वाद विवाद विधि है, डिस्कशन मेथड है, फिर समाज वित्तीय मतलब सोशलाइज मेथड है, समाज में उसको ले जाकर कोई चीज बताएंगे, मान लीजिए वो हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ना है जैसे हड़प्पा के बारे में, फिर वहां जाकर जहाँ हड़प्पा मतलब पाकिस्तान जहाँ क्षेत्र राजस्थान वहां जाकर भी हम कर सकते हैं। फिर इकाई विधि से पढ़ सकते हैं, यूनिट मेथड से पढ़ सकते हैं, फिर खेल विधि से भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब पूरा विधि आपका हो गया किसका, तो हिस्ट्री पढ़ाने का विधि, समझ रहे, जितना सोचना है उस समय सब आ जाएगा। कथात्मक विधि हो गया, खंड विधि हो गया, स्रोत विधि हो गया, पाठ पुस्तक विधि हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया, समस्या विधि हो गया, योजना विधि हो गया, व्याख्यान विधि हो गया, वाद विवाद विधि हो गया, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि हो गया, इकाई विधि हो गया, खेल विधि हो गया। आप देखिए अब आते हैं कथात्मक विधि में, मतलब स्टोरी टेलिंग मेथड, मतलब बोला एक दो विधि का वर्णन कीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि कथात्मक विधि में कहानी बातचीत तथा भाषण द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, समझ गए। देखिए इतना आसान लैंग्वेज है, आप कोई भी जो मेथड होगा उसमें आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कथात्मक विधि में कहानी बातचीत तथा भाषण द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। छोटी कक्षाओं में कहानी कहना भी इतिहास सिखाने की सर्वोत्तम विधि है, मतलब कहानी द्वारा छोटा बच्चा को। तो प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कथात्मक विधि को छोटे बालकों के लिए लाभदायक बताया है। हम जानते हैं कि बालक स्वाभाविक रूप से कहानी प्रिय होते हैं और कहानियों के माध्यम से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कल्पना के उड़ान में ही बालक के तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास होता है। मतलब कल्पना से मतलब कोई चीज के बारे में सोचता है हमको ये चीज बनना है, वो चीज बनना है, समझ रहे हैं, तो वही चीज है। फिर क्या मानव बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था दोनों में भी कहानी सुनने तथा कहने में भी रुचि प्रदर्शित करता है, समझ रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ मनुष्य में कहानी कहने का एक जमजात कला होती है, मतलब देखिए कोई देखिएगा आप ही गाँव समाज में रहते होंगे, इतना अच्छा से कहानी कहेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा कोई चीज को, समझ रहे हैं, तो जमजात कला होती है। इतिहास के शिक्षक को कहानी कहने का कला होना अति आवश्यक है, यदि इनमें यह कला स्वाभाविक रूप से नहीं हो तो उसे प्रयत्न करना अर्जित करना चाहिए, मतलब प्रयत्न करके उसको अर्जित कर, मान लीजिए आपसे जमजात नहीं है तो आपको अर्जित करना होगा। यदि इतिहास का शिक्षक में कहानी कहने का कला न हो तो वह सफल शिक्षक नहीं होता, मतलब प्रभावी शिक्षण नहीं करा सकता, समझ गए। आप कथात्मक विधि के गुण, कथात्मक विधि के निम्नलिखित गुण है, कथात्मक विधि द्वारा बालक में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, कथात्मक विधि द्वारा बालक की कल्पना शक्ति के विकास होता है। तीसरा, जब शिक्षक इतिहास को कथात्मक विधि से पढ़ाते हैं तो बालक अपने गुप्त भाव को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जैसे बालकों के विभिन्न पात्रों के कथन दोहराने के लिए कहा जाता है जिससे उनकी झिझक एवं लज्जाशीलता प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। फिर है कथात्मक विधि द्वारा बालक की जिज्ञासा को कम किया जाता है, जैसे बालक जानना चाहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है तो शिक्षक कहानी के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड बताकर बच्चों की जिज्ञासा को कम करता है। फिर एक कथात्मक विधि से बालकों में नैतिक विकास होता है, क्योंकि यह महापुरुषों की पढ़ते हैं महापुरुषों की कहानी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से ही उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों में अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। छठा है, कथात्मक विधि द्वारा बालक को अनुशासित किया जाता है। कथात्मक विधि द्वारा बालक का संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तार्किक चिंतन आदि का विकास होता है। आठवां है, कथात्मक विधि में बच्चों अनुकरण विधि द्वारा अच्छी बातों का ग्रहण करते हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। आप देखते हैं स्रोत विधि, सोर्स मेथड क्या है। हम जानते हैं कि इतिहास पढ़ने की विधियों में स्रोत विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। स्रोत विधि के महत्व जानने से पूर्व यह प्रश्न उठता है कि स्रोत शब्द का क्या अर्थ है और स्रोत विधि का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है। स्रोत का अर्थ, भूतकाल के इतिहास का पता लगाना एक में भूत लिखा हुआ है, इतिहास भूतकाल के इतिहास का पता लगाना एक जटिल प्रश्न है। वर्तमान समय में निवास करने वाले मनुष्य व्यक्तिगत रूप से इस बात का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि शताब्दी पूर्व किसी देश का क्या हुआ है, मतलब मान लीजिए आपके पास स्रोत नहीं रहेगा तो आप कैसे पता कीजिएगा कि मतलब महात्मा गांधी के अथी क्या था। तो स्रोत कोई लिखा हुआ किताब संविधान के बारे में, तो क्या एक स्रोत न है संविधान, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इतिहास कला एवं विज्ञान विज्ञान में है, अतः इतिहास वैज्ञानिक विषय होने के नाते इतिहासकार निरर्थक एवं काल्पनिक कहानियों के आधार पर अपनी ऐतिहासिक बातों का निर्माण नहीं कर सकता है। अतः हम जानते हैं कि इतिहास का आधार तथ्य है, मतलब फैक्ट है। इतिहास के तथ्य स्पष्ट प्रमाणों तथा वास्तविक आधारों पर आश्रित होती है, अतः इतिहासकार वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं का, देखिएगा बहुत इतिहास में मतभेद रहेगा, समझ रहे ना। तो
वही मतभेद को दूर, फैक्ट आपके पास होगा तब ना मतभेद दूर होगा। वही चीज हम जानते हैं, कोई भी लेखक किसी भी प्रकार के से स्वयं भूतकाल में नहीं जा सकता। मान लीजिए अभी हम हैं तो भूतकाल में जाकर तो अध्ययन नहीं करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था क्या था, समझ रहे हैं, नहीं कर जाता। उस समय जो व्यक्ति उपस्थित है उन्हें जो घटनाएं देखी और उन्हें जो लिख कर रखा उन्हीं प्रमाणों और आधारों के आधार पर वे लिखित हो अथवा अलिखित हो उसे ही तख्त कहते हैं, और ये तख्त ही हमारे इतिहास के स्रोत है। देखिए जो प्राचीन समय में जो लोग थे वो कुछ लिख दिए या जो चीज कुछ लिख दिए पत्थर उत्थर पर, वही हमारे लिए क्या है, स्रोत का काम करता है। अर्थात इतिहास के स्रोत द्वारा ही इतिहास का सही निर्मित होता है। निष्कर्ष, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी विषय को सरल एवं सटीक पढ़ाने के लिए शिक्षण में शिक्षण विधि का आवश्यक शिक्षण विधि आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इतिहास के शिक्षण विधि में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि कथात्मक विधि मतलब टेलीस्टोरिंग विधि है, यानी इतिहास के शिक्षण में कथात्मक की महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू। और 2-3 मतलब 1 घंटा के करीब में आपको हम डाल देंगे वीडियो, ठीक है, मतलब पूरा मतलब मैट्रिक पेपर का। थैंक यू।